रायपुर के तेली बांधा क्षेत्र से सरकारी मकान दिलवाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है, जहां श्यामू चेलक ने खुद को रायपुर नगर निगम का कर्मचारी बताकर संतोषी नगर और काटाडीह क्षेत्र में आवास आवंटन कराने के नाम पर 5,11,500 रुपये लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रार्थी सुहेल अंसारी के द्वारा थाना तेली बांधा में रिपोर्ट की गई थी कि श्यामू चेलक ने अपने आप को नगर निगम का कर्मचारी बताते हुए नगर निगम के अधिकारियों से पहचान होने की बात कह के RDA में मकान दिलाने के नाम पे उससे 65,000 रुपये लिए हैं और इसी प्रकार अन्य लोगों को मिला के कुल 5,11,000 रुपये लेकर ठगी की है और ना ही उन्होंने पैसे वापस किए और ना ही उनको कोई RDA का मकान ही अलाट करा पाया, जिस पर रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया तथा आरोपी श्यामू चेलक को हिरासत में लिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।